ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याहं जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। कलिया सांतंक चरणारविंद जुगलरे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मणिमा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जनंकु विष्णु प्रायमणे नमई तहंक चरणे तुंडे बोलई हरि हरि। भो जगन्नाथ दैतारी समस्त कार्तिक महात्म पुराण श्रवण करुवा सज्जन मानकर माँ भाई भौणी समस्तंकर चरणारविंदरे विश्ववासी चरणारविंदरे यकिंचनर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नारद उवाच षष्ठाध्याय। सुन राजन महाज्ञानी ब्रह्मा ज्ञारे शुक्र मुनि जलंधर कु करी राजा सिंधु देशरे कले पूजा। से राजा जातो रुद्र अंशे विशेष इंद्र पज से अनु जलु पूजिला तेणु असुर बुद्धि हेला। पृथु राजा को नारद कहुचंति कले हे राजन जेतेबेले जलंधर को ना जेतेबेले ताकू सिंधु राजा सिंधु वरुण राजा ताकू प्राप्त होई ब्रह्मा को प्रदान कले नामकरण कले जलरु उत्पत्ति हेतिबारु ताना जलंधर रखिले एवं शुक्र महामंत्री ताकू दायित्व दे महामंत्री ए रुह वर्तमंडल तुम्हें राजा अखंड चक्रवर्ती राजा हो तुम्हें शासन कर एवं शुक्राचार्य दिग्दर्शन देवे ए समस्त कही चलीगले। तेणु इंद्रंकर क्रोध यहीपरि भाव से को से राजा जात रुद्र अंशे विशेष इंद्र पज से। तेणु जलंधर रुद्रांशर ही जन्म रुद्रंकर अंशरु से उत्पत्ति बिली से रुद्रांशी बिली कह जाए। अनळु जल उपजिला तेणु असुर बुद्धि हेला। तेणु जिमिति आमे जो प्रकार भावनार जन्म आमे लाभ करिबा से प्रकार भावरे बुद्धि मध्य प्रयोग हबो से प्रकार बुद्धि आम भितर प्रवेश करिबो। विधाता गले बरदेई शुक्र मंत्रिक शिक्षा पाई सर्व संपद कुबम लघु ठूल सिंधु को लेले महिपाल असुरे नारायण डरे लुचिजे थिले तलपुरे जलपुरे से सर्वे शुक्रंक आदेशे मिलिले जलंधर पासे। शुंभ नुशुंभ बाणा सुर अर्घा शंकुनि शंखा सुर पूर्व दुर्गति आश्रे कले जलंधर पासे रहिले। सागर सुत तांकु देखी बंधु सदर भाव देखी जेते जुआड़े सब असुर माने थिले बाणासुर थिला अब अघासुर थिला विविध प्रकार असुर माने सब संसार रे उत्पाड़न करुथिले से माने सब थिले से माने निर्भय से मानंगर राजा के नथिले। तेणु से माने लुचिलाचिकरी थिले। तेणु जेतेबेले जलंधर अखंड चक्रवर्ती राजा आईकरी से वर्त्यपुर बसिले शुक्राचार्य समती डाकिले समस्त आसी जलंधर चरणारविंद शरण पशिले। पूर्वे दुर्गति आश्रा कले जलंधर पासे रहिले। सागर सुत तांकु देखी बंधु सदर भाव देखी सागर सुत जलंधर देखिला कलारे बाणासुर आरे अघासुर ए बारे सब देखी तांक बर भीतर आर तांकु सब निजर गृहर निजर बंधु कला कलारे तमे मोर बंधु तमे मोर परिवार लोक बस तमर कौन सुविधा असुविधा मुई सब तुम कथा बुझी। संपद दे रखे पासे शुक्रंक वाक्य उपदेशे काल नौ मनौमी दैत्य जेमा रूपे सुंदर दूती उमा नाम ताहार वृंदावती सर्वलक्षणी साधु सती से कन्या शुक्र मंत्री भोले जलंधरंकु विवाह कले। काल नवमी दैत्य जेमा रूपरे सुंदर सुंदर दूती तांकु जलंधर सहित विवाह कले। से सती पतिव्रता पाशपणे असुर तेज दिनु दिने से धर्मपत्नीर निजर पतिव्रता जो निमंते से असुर मानंकर तेज जलंधर तेज बेलू बेल बढ़ला असुरगण मानंकर तेज मध्य पतिव्रता स्त्रीर केते तेज केते महिमा ताहा आपण जानिपारे। एथर से प्रतिव्रता पतिव्रता पणे असुर तेज दिनु दिने असुर कल संगे घेनी जिलिला सकल मेदिनी शपत दीप चक्रवर्ती होइला सागर संतति सागर सुत एक दिने विजय संभवे आस्ताने
शुक्र सैते दत्ते भोल सभारे अछन्ति सकल एमंते राहु महादत्य पाताल पुरु मम उपगत मिलिला जलम धर आग निज शरीर बेनी भाग। जेतेबेले पतिव्रता पद्मतांकर निजर वृंदावतीर निजर पतिव्रता निजर पतिप्राण जोगु अस्तार बलरे तार शक्ति बलरे समग्र त्रिभुवन को से व्यापिला तार दौरात्म्य समस्त असुर मानंकु से निजर साथीरे धरी चतुर्दुग को देव ऋषि मनुष्य समस्तंकु भयभीत कला एवं शासन चलिले। एमंत समय रे राहु आसी दिने पहुंचिले। एमंते राहु महादत्य पाताल पुरुपगत मिलिला जलंधर आगे निज शरीर बेनी भाग। ताहांकु देखि सिंधु सुत बोलई एक विपरीत जितेबाला सिंधु आज देखिले तार अधा शरीर नाई मुहटी अच्छी हाथटी अच्छी बापा तोर एपरी शरीर एमती विपरीत शरीर देखि जलंधर पचारा बापा तोर कौन है रे बापा तू एम दुखरे कहीं एमती शरीर में अरूप शरीर केमी मो पाक आसचु केते ते कला बेनी खंड काहू पाइलु एड़े दंड। एमंते जलंधर वाक्ये राहु कहई गुरु सोके कहला रे बापा तते एत कष्ट किए दे तेज किए दंड दे तेणु भग ये कथा जितेबाला कही राहु तार समस्त कथा बखाणी। हे प्रभु ये कर्म मोहर भृगुनंद को तपचार तार वचने दैत्य दाहा बोलती मंत्री कह एहा कहला आज्ञा मु कौन ए विषय किसी कहबि आपण शुक्राचार्य आपणकर महामंत्री की ही पचारंतु से ही सब कथा कहे मु कौन ए विषय कहबि। राजा वचने शुक्र मुनि कहती काल कृत्य घेनी सुण राजन चूड़ामणि ए पूर्व सत्य जुगवाणी दुर्वासा सापेद महत सिरी तीन भुवने दुख पूरी संपद अर्थे सुरा सुर मत मंदरे मंथिले सागर से क्षीर समुद्र मंथनु लक्ष्मी सहित काम धेनु पुष्पक आदि रथ जेते सुरादि औषध सहित आवर अष्ट अपसरी अमृत घेनी धन्वंतरी एमंते उपूजिले जेते विष्णुता देवता हिते कहला कौन कहबि एमती एमती असुविधा बेला रे सुर असुर भितर एपरी गोटे सागर मंथन हैला एवं से मंथन रे एपरी जहाँ जहाँ लक्ष्मी बाहर ले कामधेनु बाहर ले अमृत बाहर ले जहाँ बाहर ले देवता मानंकर हुतरे भलो लोकंकर कामना निमंते भलो लोकंकर निमंते देवता माने कर उद्देश्य रे भगवान विष्णु ताहा सब हरण करि नै गले। आवर अष्ट अपसरी अमृत घेनी धन्वंतरी एमंते उपूजिले जेते विष्णुता देवता हिते हम अमर भंडारे रखाही आपे लक्ष्मी को विवाह हो अमृत भंडारे रखिदेले निजे लक्ष्मी की विवाह हो रही भोजन परसिले सुधा खाइब बोली सर्वे श्रद्धा पत्र आवरी पंक्ति मेले बसिले देव दैत्य कूड़े माया मोहिनी रूप धरी अमृत परौसंती हरि कौन कले जितेबाला से अमृत भाण्ड को समस्ते खाइबापी कहीं अमृत खाइले जो आ मरब ना तेणु समस्ते से बसिले निजे भगवान परम ब्रह्म विष्णु निजे कहीं दैत्य बसिले असुर बसिले एवं देवता माने बसिले भगवान विष्णुता को परसिबे तेणु जो परसिबे निजे माया मोहिनी विष्णु रूप माया मोहिनी रूप धारण कर भोजने परसिले सुधा खाइबे बोली सर्वे श्रद्धा पत्र आवरी पंक्ति मेले बसिले देव दैत्य कूड़े माया मोहिनी रूप धरी अमृत परसंति हरि ए राहु कर कश्यप संतति सिंहिका गर्भे उतपति सिंहिकार गर्भरे राहुंकर उत्पत्ति होता से माया सुरपी धार धार कर चतुर पड़े बुद्धि बड़े बसिला देवता बेले ये कौन कला निजर चतुरतार जो बुद्धि बल सिंहिका पुत्र राहु जाई देवतांक पाखरे बसी पड़े सुधा भक्खिला आग करी देखी कोपिले नर हरि चक्रे छेदिले एहा मुंड हृदय ठारू बेनी खंड जेतेबले माया करी चक्रांत करी से जाकर देवतांकर पाखरे बसी माने अमृत दे परसी से निजे आग भक्षण करी भगवान या देखी क्रोध होती कहला अरे अरे ये कौन करदेला सुधा बखिला आग करी देखी कपिले नर हरि चक्रे छेदिले एहा मुंड हृदय ठारू बेनी खंड तेणु ताकू चक्र छादन करी
तार हृदय ठारु ताकु ता शरीर को दिभा कर देले जो पर्यंत अमृत जाइथिला से पर्यंत से रहिला आउ खंड को से ता काटि देले एराउ खाइथिला सुधा तणे नहिला मृत्यु बाधा तेणु अमृत खाई से आ मला ना सेमती अधा खंडिया आईक से रहिला दैत्य को सुधा जे न देले देव को सुधा परसिले दैते सुधा न पाइले देवंक तुल्य युद्ध कले आउ देवता मा भगवान विष्णु आउ असुर मानंकु से अमृत भाण्डरु आणिकि अमृत परसिले नै देवता मानंकु ता प्रदान कले काहू जानिबे दैत्य गण देवंक पक्ष नारायण आपे गरुड़ कंधे बसी अनेक असुर विनाशी देवंकु संकटु तारिले आश्रित जने सुख देले तांको आश्रार जे रहिब से प्रथम रु दुख हेले तार परिशेष रे सुख ही पाइब एथिरे तिले संदेह नाय आमुकु आमे प्रभुंक चरणारविंद रे समर्पित हेले आमे प्रथम रु दुख पाइबा किंतु से प्रथम रु पिता हेले मध्य अंतिम तार होची मीठा तेणु कालिया शांत आमर से दारू मुतुर लिंब गछ गाठरे तैयारी होती लिंब खाइले प्रथम रु पिता परिणाम तार मधुर अटे मधुर खाइले प्रथम रु मीठा एवं अंतरे ताहा पिता अटे तेणु से कथा कौन देव को संकट तारिले आश्रित जने मुखे देले ता देखि बली अद्य आमा आदिदैत्य भय होइले क्षेत्र जेझा मते समस्ते पशिले पाताले एमते गला केते काले एबे तू उदोजोग काले आसी खटिले पाद तले तुझे हा कु दया कर गत दुर्गति उद्धार कले एमित करी दैत्य माने जेतबेले जानिले आउ देवता मानंगु मारी होबनी असुर माने जे जाय के नुचिले केवल तोरी कृपा तोरी आशा करी जलंधर राजार आशा करी समस्त आसी तो शरण रे पश्चन तुझे हाँ दया कर गति दुर्गति उद्धार तुझे पूछिले जे कथा कहिलु सुणु महारथा एमंत मंत्री मुख शुणी कोबे कंपई वीरमणि घस्रम दैत्य थिलागे तांकु बोलाई जाओ स्वर्गे कहिबु देवंक अग्रते सिंधु मंथी लकी निमंते राजा जलंधर रागरे क्रोधरे जर्जर ही सेठारे घस्रम नामक जन दैत्य थिले तांकु कहिले तबे जीवटी जाओ मु पठौची तांकु जा इंद्रंग पाखरे जाई पचार देवता मानंकु तमे काई समुद्र मंथन कल तमे कौन कल कि अपराध करथिले जे तमे देवता माने केवल खाइले असुर मानंकु दैत्य मानंकु तमे देलो नाही कहिबु देवंक अग्रते सिंधु मथिले कि निमंते समुद्र जेते जेते को पाइले सबुके सबुता कहा बोले नेले जहु नथिला रक्षाकार से घेनी एड़े करबो तार कले केही नथिले बिली तमे ता सब भल दिनस तक नहीं पड़ल तेणुकरी तुम सब फेरा मत सबुता बाहुड़ाई दियो नहिले प्राण मूर्छा दि थाओ एमंत कह तांकु जाई सुनिकी बोले सची साई एमंत कही दंडधारी ब्राहु को चौ गौरव करी सन्निधि रखिला विश्वासे दूत हे गमिला आकाशे ताहांकु देखी द्वार पाले दूतंकु इंद्र पसे नेले स्थान तले उभा होई बोलई सुण सची साई घस्रम नामे ता विदित मु जलंधर राजदूत कले मु राजदूत जलंधर राजदूत जलंधर राजदूत रूप से घस्रम नामक मु दूत नाम रे मु आसी आपण पाक एवं मते राजा जलंधर आपण निकट को पठाइछन आपण केउ कारण रु ए समुद्र मंथन करी समस्त अमृत भाण्ड को आपण निजे नै एवं समस्त दिव्य वस्तु को आपण ग्रहण करी आम मानको अनाथ करिछन्ति एई कथा को खबर दे पठेचंति राजा जलंधर आस्थान कले उभा होई बोलई सुण छसी साई घस्रम नाम मो विदित मु जलंधर राजदूत मोबीर सागर नंदन जगत आवरी रंजन मु तार आनी बारता सुण हे सकल देवता पूर्वे जे मंथिल सागर विष्णु सहित सुरासुर तहु पाइले जेते द्रव्य तुम्भे आनिल ताहा सर्व विचारे पिता पिता द्रव्य तार माम सागर सुत जलंधर से राजा पेशी अछि मते सिंधु मंथ कु द्रव्य जेते कला रे मो बाप घर समुद्र मौची मोर बाप घर मो घर को भांगी मो घर को मंथन करी तमे सब दिनस अपहरण करी नहीं पळि आसिल एटा कोन ठीक कथा इरा ठीक कथा नुहे तेणु ए कथा को विचार करी माँ मोर गोचरे दियो बेगे नहिले आस मोर संगे कले मो घरु जहाँ सब तमें अपहरण करी नहीं देवता माने हे इंद्र
हे जम हे कुबेर हे अग्नि वायु समस्त देवता मान से दूत कहती जहाँ मो घर तुम जलंधर कही मो घर तुम लुंठन करीच सब आनी मो पाखे फेरा तुरंत मोर गोचरे दिय वेगे नहले आस मोर संगे राजा कर दर्शन जेब कुशल मने घेन एमंत दूत वाक्य शुणी क्रपे कंपिले वज्रपाणी कहे तुम्हें जदि नहींच ना आस मो सांगे आसिकी राजा मो राजा जलंधर सहित तुम देखा कर एवं देख एक श्रवण करी देवता मान हूतकंप सृष्टि है स्वयं राजा महाराज इंद्र मध्य कंप मान सुरेन्द्र हेले कह अरे बापा कौन करी मुझे बासव आज्ञा परमाणे धाइले से किंकर गणे दूतर केश धरने नग्र उपात छाड़ीदे प्रभाव पाई दूत गला सिंधु दे सिंधुर देश में मिलला कले अच्छा सब देवता मान कहले जो आसला दूत तार केश को धरी ताको बाहर कहले जा 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 बापा तू एत कथा ठीक आसी कहना जा तो दूत तो राजा आगे कौन करू कौन तो राजा कौन कर देखा प्रभाव पाई दूत गला सिंधु देश में मिलला कहला जलंधर आगे दूतर वाक्य शुणीगे सक्रोधे सगर नंदन साजिला असुर सईन शुक्र मंत्री को आग करी स्वर्ग को गला बेग करी कहला जिते बड़े एक शुणिला क्रोधर जर्जरित हो समस्त सैन्य सामंत को धरी शुक्राचार्य को आगे धरी स्वर्ग को आक्रमण करने देवता मान आक्रमण करने बाहरी पड़े शुक्र मंत्री को आग करी स्वर्ग को गला बेग करी सहस्रे खेउणी ताबल गमंते कंपे भूमंडल मेरु पर्वत लंघी बल पशिले देवतांक आल जाणी सकल सुरगण इंद्र सहित मिलिरणे देवे दानव भेटा पड़ी प्रीति उपराधे दूरे पड़ी तरंती अंतर अनर्जामरण बिंधंती कोटि कोटि बाण दुंदीवी निशाण रे ध्वनि सबदे कंपे पुरतीनी देवता सर निरीघात विविध सर आत जात दत्ये विंधंती तीक्ष्ण सर जेन्हे गंगरु जलधार उभय थाटु सिरप तुटी कव कबंध नाचे कोटि कोटि एमंत दुर्लभ समर बसव संगे जलंधर देवता मानंगर सहित जलंधर एक एपरी युद्ध है सुदुर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन कंपमान बाघ विभिन्न सर तीर खंडा वर्षा द्वारा आच्छादित कले दैत्यगण मान जेते जुजिला अंग छड़े कहिले स्वसरीव काले दिवस अंते भेरी बड़े रहंती गंगा नदी कूले युद्ध जत दिन भली युद्ध हुए राति गंगा नदी तुल समस्त जा शयन करते रात्र शुक्र मंत्री आसी संग्रामे भूमि मध्य आसी सुमरी मृत्यु संयमनी बनी जियाई असुर सैनी राजा छामू को घेरी जाती इम तदंतरे बृहस्पति द्रोणादि पर्वत रुवाणी जे नाम विश्वल्य करणी से वृक्ष पत्र रस नहीं देवंकु जीवदान दे कौन कले ना जेत जेते बंच सो मरी जाती शुक्राचार्य बचे दौ था मृत्यु संजीवनी देकरी एवं देवता मान विश्वल्य कड़ी आणिक राजा बृहस्पति देवता बृहस्पति देवता मान सुरक्षा दौ था एमंत वर्ती द्रुद्रकूल रात्र पाइले रणगोल एमंत केते दिन अंते सागर सुत को पचिते शुक्र को चाह पचारे बोलती सुण मंत्री साई मन मुहि समरे नित्य नित्य देवंकु संघार ही नित्य से पुणी आर दिन आसी युद्ध करती रणे पशी कले हयो शुक्र को पचारे मुझे तो जिते सैन्य देवता मान मारूँ रात दिन जाक भितर सब आगे रात पाइला बड़े कौन सका से देखुची से आस मुझे तो युद्ध करुँचे पुणी आर दिन आसी युद्ध करती रणे पशी केमंते पाती निज देह तुम्हें ता कहीं न कह नृपति वचन संशय शुक्र कहती सुण राय सेजे देवंक हित पाही द्रोणादि पर्वत को जाय जो औषध तहि अच्छी गुरु आशा आणती ताहा बाछी से वृक्षर से नाशे देही मृत्युदेवता जी एक सत्य नृप भर मंत्रीर एमंत व्यवहार सकल कथा जाणी थी नृपति पूछिले कह तु एवे जारिलु निश्चय विचारी कार्य कर राय कले हे राजा हे मंत्री तमे तो सब जाच तुम ता पूर्व मत सूचक सूचना दिखनी मुझे पचारूँ बिली तुम्हें मत कह देवता गुरु बृहस्पति यहीपरी आणिक आंघाई देकर विविध प्रकार द्रव्य मृत्यु संजीवनी सुघा देकर पुनर्जीवित करता मत आगु कहतनी
तु एवं जारी निश्चय विचार कार्य करी भये मंत्री मुखु एहा सुनी सागर सुत मने गुणी गमन कला निशा काले देवशयन भुज बले उपारी आणिला त्वरिते समुद्रे रखिला गुपते से वृक्ष को आणी दुचेक आणी समुद्र भितर ताकु रखिला गिरी न देखी बृहस्पति विस्मय मने विचारंती देवंक नाही भल गति एहा अर्जिला सुरपति ईश्वरे कला द्रोह कर्म एवे छाड़िला निज धर्म एवे विचारु गुरु चिंते कहिले देवंक अग्रते हे देव गण तुम्हें शुण मद्रुणादिगिरी अम्भ प्राण नाना औषध तरु जेते आमर पायुष सहिते गुपते रखिथिली तही मो बिनु न जानती केही एवे असुर नेले हरी न चिन्हिगिरी आदि करी एबे तो बुद्धि नाही आऊ काली समरे के बाजीऊ कले बृहस्पति कले आरो कौन करिबे अवस्था ताकु मो छड़ा तो केही जानि नथले ताकु गुप्तर आसिकिरी से वृक्ष से पर्वत को नहींकिरी मध्य पळिचंती समुद्र भितर तेणु मु आपण मानू देवता मानू सुरक्षा देवा पाई आउ बंचे देवा पाई समक्ष मोर नाही एतकु नाही परित्राण मोर वचन एबे सुण बृहस्पति कहउचंती देवता मानू कले मोर हाथ गोड़ किछि नाही तुमको रक्षा करिबा पा तेणु मु जहा कहउचि ता सुण एतकु नाही परित्राण मोर वचन एवे शुण उपेक्षी बारस्वती वास पलाई जीवा सर्वे आस कनक गिरी गुहादिरे गुपते रहिबा निर्भरे एमंत गुरु शिक्षा पाई सकल देव लोक जाई कला आउ रहिबा एठी भल नुहे आमे जाईगिरी कनकगिरी गुंफारे समस्त देवता मानू निर्देश देले बापा जाई कनकगिरी गुंफारे तमें नुचि नाचिकी रह आउ बाहरकु बाहरनी बाहरकु बाहरले महाप्रचंडशाली जलंधर तार सैन्य माने तुमको हत्या करिवे तुमको बंचेबार मध्य शक्ति मो पाखे नाई जहाँ थिला सी हरण करी नहीं गला कनक गिरी क्रोटे पशी मने सुमरी ब्रह्मराशि गुपते रहिले निश्चिंते देवंकु न देखी दैत्ये आनंदे विहारिले स्वर्गे सागर सुत कर्म भोगे जितने राति पाइला देखला बड़क आउ देवता माने कई नामती भितर हाक हरिबोल पड़ा भितर जय जयकार सुगागला देवता माने कुआडे पड़िले सकरा स्वयं जलंधर खुशी आत्मगर्व हला असुर माने नाचिबा को उठिले दुंदी भी बजाइले आनंदे विहारिले स्वर्गे सागर सुत कर्म भोगे देवंक पण जणे जणे आवरी निसार चरणे कारिणी हेले तिनी पुरे देवे लुचिले बन घोरे जे सब असुर माने थिले कि इंद्रंक आसन रे कि वरुणंक आसन रे जो जा सब आसन करी इंद्रपुर अमरावतीपुर समस्त राज शासन को दखल करी नेले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनी पुर को दखल करी नेले जलंधर सैन्य माने आनंदे विहारिले स्वर्गे सागर सुत कर्म भोगे देवंक प्राण जेणे जणे आवरी निसार रगणे कारणी हेले तिनी पुरे देवे लुचिले तिम बन घोरे कहई महादेव दास उद्धार कमला विलास इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्मे जलंधर युद्धे देवलोक गुपते नाम षष्ठाध्याय भज राधा दामोदर गोविंदे भज राधे कृष्ण गोविंदे भज राई दामोदर गोविंदे भज रामो कृष्ण गोविंदे।